एवरीवन, वेलकम बैक टू होम एंड हॉबीज। आज का व्लॉग टोटली डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको शो करने जा रही हूँ एक ब्यूटीफुल सा क्राफ्ट वर्क। और ये क्राफ्ट वर्क है ये कॉफ़ी आर्ट वेलकम साइनेज। कॉफ़ी वर्क से बना हुआ ये ब्यूटीफुल वेलकम साइनेज आप घर में इजीली बना सकते हैं। मैक्सिमम मटेरियल आपको इसका घर में ही मिल जाएगा। कैप्शंस में मैं ही आपको शो करती रहूँगी क्योंकि ये मैंने एक घर के ही जो मेरे पास अवेलेबल मटेरियल था उसी में से बनाया है। वीडियो शुरू करने से पहले देयर इज़ अ जेंटल रिमाइंडर, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल अप टिल नाउ, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। लिंक आपको उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये ब्यूटीफुल सा क्राफ्ट वर्क से बना हुआ वीडियो। Let's check out the material first. Cardboard. We need two cardboard, then A4 size art sheets, then normal coffee powder. उसके बाद में glue, कोई भी glue आप use कर सकते हैं. A pair of scissors, pencils for sketching, golden and bronze acrylic or metallic paint, compass. Let's begin. First we have to draw a circle with the help of a compass on first cardboard, then on the second cardboard, then we have to cut the circles. Again, एक smaller circle inner side में बनाना है cardboard की. And we have to cut that also. अभी दोनों सर्कल्स को हमको पेस्ट कर देना है जिससे कि हमारी ये बॉडी तैयार हो जाए हेलो की। इसके बाद में हम इसमें ब्रॉन्ज मेटेलिक पेंट करेंगे। आप और कोई कलर चाहें तो वो भी यूज कर सकते हैं। दोनों साइड में हमको कलर करना है। ये जो हमारा रिंग बना है दो कार्डबोर्ड को मिला के, कलर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चूज कर लीजिए। मुझे ब्रॉन्ज या मेटलिक कलर अच्छे लगते हैं तो इसके लिए मैंने ये यूज किया है। Now take an art sheet of A4 size and make 6 equal portions on that art sheet to draw flowers. बड़े वाले flowers हम एक section में बनाएंगे, जो हमने 6 sections बनाए हैं art sheet के ऊपर। Now cut all the sections. अभी ये फ्लावर्स की शेप को हमने जो बनाई थी उनको सीजर की हेल्प से कट कर लेंगे। लुक लाइक दिस, ऑल द फ्लावर्स विल बी रेडी। इसी तरह से हम इसे थोड़े छोटे साइज के फ्लावर्स भी बना लेंगे। ये 6 यूज करे हैं मैंने इसमें। सेम प्रोसीजर से सेक्शंस में काट करके उसके बाद में फ्लावर्स की शेप को कट कर लेंगे। उसके बाद में ये ऐसे ही छोटे फ्लावर्स बनाए हैं।
ये हमारा कंप्लीट सेट तैयार है, लार्ज फ्लावर्स, मीडियम फ्लावर्स एंड स्मॉल फ्लावर्स का। अभी हमको कॉफी पेंट बनाना है, उसके लिए सबसे पहले कॉफी में हम पानी ऐड कर लेंगे। हमको कॉफी का कलर जितना डार्क या लाइट रखना है, उतना ही पानी हमको कम या ज्यादा ऐड करना है। फर्स्ट हमको लार्ज फ्लावर्स बनाने के लिए लाइटर शेड यूज करना है, तो हमने पानी ज्यादा डाला है सारे लार्ज फ्लावर्स में। अब हम एक एक करके पेंट कर लेंगे दोनों साइड में। जैसे जिस तरह से आपको स्ट्रॉन्ग या माइल्ड कॉफी पसंद होती है, उसी तरह से आप अपने इस क्राफ्ट वर्क में कॉफी का शेड यूज कर सकते हैं। क्राफ्ट वर्क करने से हमको एक बहुत ही अच्छा रिलैक्सिंग इफेक्ट मिलता है, और साथ ही में ये तो इतना इजी भी है, साथ ही में कॉफी की खुशबू आपके घर में एक नेचुरल एरोमा हर समय बना ही रहेगा। अभी इसके बाद में एक ब्राउन स्केच पेन लेके हम इसकी डिटेलिंग कर रहे हैं, बॉर्डर्स की और जो पार्ट हमको हाईलाइट करने हैं, जिससे कि फ्लावर और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगेंगे, कॉफी का शेड और ज्यादा उभर के आएगा उनमें से। इस तरह से आप डिटेलिंग कर सकते हैं स्केच पेन से, चाहे तो आप ग्लिटर भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। मीडियम फ्लावर्स की भी इसी तरह से हम डिटेलिंग कर लेंगे ब्राउन स्केच पेन से। इसके बाद में थोड़ी कॉफी और ऐड करके पुराने वाले सॉल्यूशन में हम अपनी ये मीडियम वाले फ्लावर्स को थोड़ा और डार्क शेड में पेंट करेंगे। जब ये हमारा कॉफी पेंट सूख जाएगा, उसके बाद में इन फ्लावर्स को और ज्यादा ड्यूरेबल और ब्यूटीफुल बनाने के लिए फेविकॉल डाल के हम ऊपर से एक कोट कर देंगे, वो भी दोनों साइड में करेंगे, उससे थोड़े हार्ड हो जाएंगे। सेम मेथड से मीडियम और स्मॉल फ्लावर्स में भी फेविकॉल का एक कोट करना है। फेविकॉल लगाने से ग्लो भी आ जाता है और फ्लावर्स और ज्यादा हार्ड हो जाते हैं। जब सारे पार्ट्स हमारे ड्राई हो जाएंगे, उसके बाद में फेविकॉल लगा के या कोई भी ग्लू लगा के ये तीनों पार्ट्स को आप एक के ऊपर एक रख के पेस्ट करेंगे। लाइक दिस। और इसके बाद में जो छोटा वाला फ्लावर है, उसके पेटल्स को हम थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर देंगे। फिर बीच में पॉलन्स बनाने के लिए ग्लिटर ट्यूब का यूज कर रहे हैं हम। यहाँ पे आप ग्लिटर ट्यूब या कोई भी आप स्पार्कल यूज कर सकते हैं, और भी ज्यादा ब्यूटीफुल ये फ्लावर्स लगेंगे ये लगाने से। ब्रश से उनको स्प्रेड कर दीजिए एंड ऑल योर फ्लावर्स आर रेडी लाइक दिस। अब हमें अपने हेलो का हेड रिंग बनाना है, जिसके लिए ये मैंने वेलकम का कोट यूज किया है। आप चाहें तो और भी कोई कोट यूज कर सकते हैं, लव, फैमिली, कुछ भी जो आपको पसंद हो। उसमें हम एक लाइटर शेड कॉफी का यूज करेंगे, जैसे हमने अपने लार्ज फ्लावर्स में यूज किया था। एक कोट करने के बाद में दोबारा उसके ऊपर कोट करेंगे, जिससे कि थोड़ा सा डार्क शेड आए। पूरा होने के बाद में ये ऐसा लगेगा। फिर जो भी आपने कोट लिखा है, उसको आप ग्लिटर से या किसी स्पार्कल से हाईलाइट कर दीजिए।
इन द सेम मैनर आउटलाइंस को भी हम ग्लिटर से हाईलाइट कर लेंगे। और ये हमारा वेलकम साइन बनके तैयार है। Isn't it look beautiful? उसके बाद में अभी जो हमने रिंग बनाए थे उनको हम जूट रोप की हेल्प से हैंग करने के लिए तैयार करेंगे। जूट रोप की जगह आप चाहें तो कोई थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, और उस थ्रेड में अगर आप बीड्स डालेंगे तो ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। दोनों साइड में ये जूट रोप बांध के टाई द नॉट लाइक दिस। फिर हमने ये जितने भी फ्लावर्स और साइनेज बनाया है उनको हम रफली प्लेस करके देख लेंगे कि किस तरह के अरेंजमेंट में हमको ये अच्छा लगने वाला है। और फाइनली ग्लू की हेल्प से ये सब हम ये अपने रिंग के ऊपर प्लेस कर देंगे। सब फ्लावर्स हमने अरेंज करके पेस्ट कर दिए। जहां पर जूट रोप लगाई है वहां पे हम ये वेलकम साइन लगाएंगे, या इसकी जगह आपने कोई भी कोट लिखा हो वो जूट रोप के ऊपर पेस्ट कर दीजिए, तो पीछे वो हाइट भी हो जाएगी और ड्यूरेबल और ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह से ये आपका ब्यूटीफुल सा रिंग बनके तैयार है। देखा आपने किस तरह से ये घर के ही चीज़ों से बना हुआ एक ब्यूटीफुल क्राफ्ट पीस इतनी ईजिली तैयार हो गया। ऐसे ही वैरायटी से भरे हुए वीडियोस के साथ में मैं आपके साथ मिलती रहती हूँ, क्योंकि ये है ही होम एंड हॉबीज। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में मेरे चैनल का लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीक आपके साथ फिर से मिलती हूँ, तब तक आप या तो ये वाला वीडियो देखिए या ये वाला। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं थोड़े से लिंक दे देती हूँ अपने पुराने वाले वीडियोस के, वो भी आप चेक कर सकते हैं। Always be happy and be creative. Bye-bye. Take care.